Good morning, friends. Today I am going to discuss on nickel cadmium storage battery. कल के वीडियो में हमने लेड स्टोरेज बैटरी के ऊपर चर्चा की थी. आज हम निकल कैडमियम सेल, ये भी एक प्रकार का सेकेंडरी सेल है, और इस सेकेंडरी सेल में भी कल की तरह हम उसकी सेल रिएक्शन और उसका डिस्चार्जिंग और रिचार्जिंग रिएक्शन दोनों समझेंगे. तो देख लीजिए, निकल कैडमियम सेल यहां से निकल कैडमियम स्टोरेज बैटरी, ये आया हमें पढ़ना है. तो इस सेल को पढ़ने के लिए, अब आपने सेल के बारे में पिछले वीडियो से सबको समझ ही लिया है, तो अब आपको क्या करना है, इसमें कुछ विशेष पॉइंट्स होते हैं, वो स्पेशल पॉइंट को बस लिख करके ये पूरा सेल कवर हो जाता है, किसी भी कॉम्पिटिशन के लिए भी और ट्वेल्थ क्लास के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है. तो देखिए इसमें क्या क्या हमें याद रखना है किसी भी सेल के लिए. एक बात के अंदर और बता दूं मैं आपको, ये भी सेकेंडरी सेल है, सेकेंडरी सेल. तो सबसे पहली बात यह है कि जो सेल होता है इसमें एनोड क्या है, पहली बात तो यह है. तो एनोड इसमें कैडमियम का होता है, कैडमियम इलेक्ट्रोड होता है, इसी कैडमियम इलेक्ट्रोड को हम एनोड बोलते हैं, और ये जो है वो निगेटिव प्लेट होती है, निगेटिव प्लेट. ऐसे भी हम पहचान रहे, निगेटिव प्लेट कौन सी है, वो है एनोड. दूसरी चीज आपको याद रखना है कि कैथोड क्या है इसमें. तो कैथोड होता है इसमें निकिल ऑक्साइड का, निकल ऑक्साइड यानी NiO2. निकल ऑक्साइड का इसमें कैथोड होता है और इसे बोला जाता है पॉजिटिव प्लेट. सेकेंड चीज क्लियर हो गई. थर्ड चीज जो हमें याद रखना है वो होता है इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट क्या है. तो इसमें जो इलेक्ट्रोलाइट होता है वो होता है KOH यानी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या सोडियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन, KOH सॉल्यूशन. ये आपका होगा इलेक्ट्रोलाइट. उसके बाद हमें इसका यूज कहां पर है ये भी हमें याद रखना पड़ेगा. ये स्मॉल सेल है और इसका यूज होता है स्पेशली कैलकुलेटर्स में, कैलकुलेटर्स में इसका यूज होता है. और उसके बाद कितना आउटपुट वोल्टेज दे सकता है, तो आउटपुट वोल्टेज क्या होगा, आउटपुट वोल्टेज यानी ये जो सेल है वो कितना इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है एक सेल का, तो वो होता है 1.4 वोल्ट अप्रोक्सीमेटली. ये इतना आउटपुट वोल्टेज देता है. तो एक स्मॉल बैटरी है और इसे सेकेंडरी सेल बोला जाता है, और इसमें किसी प्रकार का कोई गैसेस रिचार्जिंग के टाइम या डिस्चार्जिंग के टाइम नहीं निकलती है, यानी कोई भी गैस बाहर नहीं निकलती है, इसलिए पूरी तरह से ये कवर्ड होता है.
तो ये इतने से पॉइंट आपको याद रखना है। लास्ट पॉइंट जो होता है वो है हमारा इलेक्ट्रोड रिएक्शन। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। ये तो एक तरह डिस्क्रिप्शन में आप इतना लिख देंगे और उसके बाद इलेक्ट्रोड रिएक्शन में हमें क्या है वो आप देख लीजिएगा। तो सबसे पहले जो पहली रिएक्शन होगी वो होगी एट एनोड। पहले हम एनोड की रिएक्शन को समझ लेते हैं। एनोड पर जो रिएक्शन होती है तो एनोड किसका बना होता है? कैडमियम का इलेक्ट्रोड है। तो एक कैडमियम कैसा होगा? सॉलिड। और ये रिएक्शन किससे करेगा? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन से। तो इसे इसमें जो नेगेटिव पार्ट है वो क्या होगा? टू ओ एच निगेटिव। और ये हमारा एक्वस सॉल्यूशन हो गया। इसका गिफ्स लगाएंगे तो ये इससे रिएक्ट करके क्या बना लेगा? सी डी ओ एच का होल ट्वाइस प्लस ये टू इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाते हैं। ये हमारी एनोड रिएक्शन है। बड़ी सिंपल है, अच्छे से आप याद कर लीजिए। सेकेंड नंबर पे लिखेंगे हम एट कैथोड। कैथोड पर क्या रिएक्शन हो सकती है? कैथोड पर हमारा मेन कंपाउंड कौन सा है? निकिल हाइड्रोक्स निकिल ऑक्साइड। तो ये एन आई ओ टू हम यहां पर लेंगे, एन आई ओ टू। ये निकिल ऑक्साइड लिया, ये सॉलिड होता है और इसकी रिएक्शन हम वाटर से कराएंगे, टू एच टू ओ और साथ में ये टू इलेक्ट्रॉन्स गिफ्ट लगा के ये क्या बन जाएगा? निकल हाइड्रोक्साइड एन आई ओ एच का होल ट्वाइस प्लस ये बाहर निकल जाएगा बेस टू ओ एच निगेटिव। ये हमारा सॉलिड है और ये हमारा एक्वास है। देखिए ये हमारी कैथोड रिएक्शन है। बस इस रिएक्शन को हम ऐड कर देंगे तो हमारी नेट रिएक्शन बन जाएगी। हमें नेट रिएक्शन ही याद करना होती है, नेट रिएक्शन। नेट रिएक्शन में ढूंढना होता है इसको। ये देखिए अपोजिट डायरेक्शन में हम इसको ब्रेक कर देते हैं और इलेक्ट्रॉन भी यहां पर ब्रेक हो जाएगा। बस बची हुई चीज को यहां पर नीचे लिख देते हैं। तो ये हमारा पहला क्या होगा? सी डी सॉलिड प्लस इधर और कुछ नहीं बचा, इधर क्या है? एन आई ओ टू सॉलिड प्लस और क्या है? टू एच टू ओ। इतनी चीज हमारी साइड में आ गई रिएक्टेड में। एरो लगाएंगे और जो चीज बनेगी वो हमारी क्या होगी? सी डी ओ एच का होल ट्वाइस प्लस एन आई ओ एच का होल ट्वाइस प्लस एनर्जी। ये एनर्जी निकलती है, ये है हमारी नेट रिएक्शन जो हमें तैयार करना होती है। इस सेल में कोई भी प्रकार की गैसेस का लिबरेशन नहीं होता है और हम इस सेल के अंदर बस हमें इतनी सी बात याद रखना है। आपको बड़ा शॉर्ट में इस चीज को सिखाया है। 12th क्लास के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कंपटीशन में कोई क्वेश्चन बनता है तो इन्हीं में से कोई क्वेश्चन वो निकाल सकते हैं, सेल रिएक्शन में से कोई क्वेश्चन बना सकते हैं। आपको ये याद रखना है। इसमें डायग्राम की कोई जरूरत नहीं है, सिंपल सा डायग्राम होता है कि जैसे आपने बैटरी के छोटे छोटे सेल देखे होंगे, ये सब सेकेंडरी सेल है, उन्हीं को निकल कैडमियम बैटरी या निकल कैडमियम सेल होते हैं। उसमें वोल्टेज आउटपुट वोल्टेज होता है बहुत कम होता है, 1.4 वोल्ट। जबकि आपने सेकेंडरी सेल जो पहले वाला पढ़ा था लैटिस स्टोरेज बैटरी है, उसमें 12 वोल्ट आउटपुट वोल्टेज था जो ज्यादा वोल्टेज था। चलिए इसको तैयार कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट वीडियो विल बी कंटिन्यू।